रिपोर्टर। और आज हमको देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, वही शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आज हम आपको जानकारी देने आए हैं। शिक्षा सबसे बड़ी एक पद्धति है और ये स्कूल जो होता है वो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे ना तो कोई जाति भेद होना चाहिए, ना तो इसको किसी राजनीति से जोड़ा जाए, क्योंकि एक यहीं से स्टार्टिंग जो होता है बच्चे का, वो प्राथमिक विद्यालय से ही होता है और यहीं से बच्चे को लाइन रास्ता दिखाया जाता है जो तुम्हें पढ़ना है, आगे चल के कोई एक महान व्यक्ति बनना है, या ये पढ़ाया जाए जो राजनीति के दौर में आया जाए, जो अगर कोई एक अध्यापक अगर बच्चे का एडमिशन कर रहा है तो दूसरा अध्यापक बोले जो हम इस बच्चे को अनाज नहीं देंगे, हम इस बच्चे को लाभ नहीं देंगे, सुविधा नहीं देंगे। अब क्या है इसका पूरा पहलू हम आपको बता रहे हैं। ये वही स्कूल है जहाँ पे दो दो प्रधानाध्यापक होता है और यहाँ पर में दो जगह झंडा तोलन भी किया जाता है। एक ही स्कूल प्राथमिक विद्यालय में दो होता है प्रधानाध्यापक, दो जगह पे झंडा तोलन होता है, दो रजिस्टर है। दोनों प्रधानाध्यापक बोलता है मेरे रजिस्टर पे तुम साइन करो, मेरे ऊपर तुम करो। ये बच्चे को पढ़ाने का काम कर रहा है और बच्चे को मेंटली हरासमेंट करने का काम कर रहा है। खैर, ये हम आपको वीडियो दिखाएंगे जिसमें दो जगह झंडा तोलन होता है और यहाँ कुछ गार्जियन है बच्चे का जिनसे हम पूछते हैं। स्कूल का टाइम तो समाप्त हो चुका है, हम लोग जब तक आए प्रधानाध्यापक जी चले गए, बंद करके फटाफट स्कूल निकल गए। तो अब हम लोग जो है देखिए, अब एक चीज़ और सच्चाई आपको दिखा रहे जी, ये सीढ़ी देखिए, ये स्कूल की सीढ़ी है जो बच्चे ऊपर जाएगा, अगर किसी का पैर फिसलता है, पैर टूट जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में छोटा छोटा बच्चा पढ़ने आता है। देखिए, एक ईंटा टूट के इधर निकल गया है, दूसरा इसका अंदर से तो बंद हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, टीचर तो अंदर नहीं जा सकते हैं, कुछ भी आरोप लगा देंगे, इसके लिए हम लोग बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए दरवाजे का क्या स्थिति है। अब यहाँ कुछ ग्रामीण है, उनसे हम जहाँ से लोग जो लाग ले तहिया से दरमाहा मार ले आवे हमरा कहे नहीं छे मास्टर आर जे फलना दिन उठले दरमाहा चिलना दिन उठले दरमाहा हां की चीज स्कूल में खिचड़ी बन छे का। अच्छा, हां खिचड़ी बनवे छे, हां के नहीं मिले ये महीना से, वेतन महीना से एक दबे न करी छे, कते मिले ये 1500 समय पे मिले ये, समय पर तो नहीं दे छे, है ना, कलो पुरका से लॉकडाउन लागले तो पुरका सरिया के पुरका तो नहीं भेटे, एवरी माघ से तो मिलो लागले। कौन पंचायत भेल अहाँ घर, गांव कौन घर भेल? हरसेर। कौन कौन स्कूल पर छी अहाँ? हमर कला हरसेर बोलिए ने, कहियो बाजियो ने, हरसेर से छोटा करो ने किछो दलहन चावल ले आके बोलो ना, खाली दलहन खा ले आके की नाम है एगो मुस्कान, एगो कमरा से मार मुस्कान दे नहीं मिलते असली कुंभम के बार खास कर ले आके हरसेर, हम लक्ष्मी देवी और वार खास भ गेल सब नहीं नहीं रखने किछो दे बाल बच्चा हमरा खतर दिन करे बाल बच्चा। हां की चाहे छी हमरा के नहीं कोचा और मिल ले एक 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 जो कहियो ना, हां की कहलिए कहियो बच्चा के कपड़ा लिए नहीं दे छे बच्चा के खाई लिए नहीं दे छे कौन पैसा नहीं आवे बच्चा कपड़ा आवे छे ने बच्चा के 70 रुपया आवे है कई छे सब किछ देइए रहल छे 500 से बच्चा वाला बच्चा कौन बच्चा पढ़े की नाम? दू गो बच्चा छे हमरा पढ़े वाला, ई सब बच्चा पढ़े वाला छे की पोता पोती भले एकर नाम लिखिए ललके, मतलब चार गहूम मिलले त देबे न कलके चार मिलले कहिले सर जे लिखते छे कहै छे दत्ते एगो सर जे दुगो सर छ सर कहै छ कि जे बच्चा के लिखला के यहां के बच्चा के से देते आ जे सर चार बिक्री में कल के से कहै छ नहीं दबे ओ बच्चा के जे लिखला के से से सर देते से सर दे हमरा कहिन क कइस के खेने के नाम से को गो अपने दल का सब के दल खइबे खाली गो टोली में हमर बबलू सला की मामला छ क्या तो मामला की छ एगो एगो स्कूल पर दुगो झंडा झाड़े छ अलग अलग जब जाए सर रहते तेगो झंडा आ तई में की कर
जे सर नाम लिखे छे कहे छे अब वहे दतो अब ई सर लिखलकै त इहे दते को अनाज जे बच्चा के जाधव के लिखे छे वहे दै छे आ एगो सर जे लिखलकै अब गंगा सर तो आप कल के वहे दतो अनाज अब हम नै दबो ओकरा से लेबो आप लोग ना होय छे कतो क्या आप लोग क्या मांगे हने कोनो रुपया को कोनो कुछ मांग कुछ नहीं आप लोग का नहीं कुछ मांग नहीं नहीं कुछ नहीं क्या मामला है विद्यालय मामला सर यह है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाता है पढ़ाने के लिए लेकिन आज से कुछ दिन पहले मेरा भतीजा भतीजी का नाम इसी शुल्क से काट के हटा दिया गया जिसमें हम ननकालाम नाम लिखाए हैं। फिलहाल मुझे मेरा पत्नी को ये ग्रामीण द्वारा जो है चुना गया इस सचिव के लिए जिसका वीडियो है सर मेरे पास। बीओ साहब अपने मनमानी कर रहा है, बीडीओ साहब को भी बुलाए, बीडीओ साहब भी देख करके सुन गए। इस स्कूल में दो ठो हेडमास्टर है और दो दो जगह झंडा तुलन करता है और दोनों आपस में लड़ रहा है और ना स्कूल का कोई विकास होता है ना शिक्षा है कुछ भी नहीं है। राजनीति में स्कूल के डाल दिया है, बच्चों का भविष्य खराब है। आप स्कूल के टाइम में सर आइएगा ना तो देखिएगा इसमें पाँच बच्चा भी नहीं रहता है। हम सर सही मांग रहे हैं, सही शिक्षा, सही निर्देश और सब समय पर बच्चों को शिक्षा मिले, बच्चों पढ़े, हमारा भविष्य बच्चों का अच्छा रहे। कहावत में है बच्चों बच्चों को स्कूल भेजो, जो बच्चों को नहीं पढ़ाया वही देश का दुश्मन है। हम नारा लगा कर सर कहते हैं कि मेरा बच्चों को नाम काट के स्कूल से हटाया गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम सर अपने पत्नी के लिए हम लोक शिकायत में भी दिए, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब क्या करें हम, इसके लिए सर आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मुझे न्याय दिलाइए। प्रोफेसर यादव, क्या मामला है विद्यालय वाला? विद्यालय का मामला है सर, स्कूल का राजनीति से जोड़ा गया है, दोनों मास्टर अपना लड़ रहा है, बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वीडियो का सीईओ का पिटीशन देते देते थक गया, कोई सुनवाई नहीं। यही है जो जिस तरह से हो हमको स्कूल को सुधार चाहिए, उसमें विकास चाहिए, पढ़ाई चाहिए, यही सब चाहिए और क्या चाहिए। अच्छा आया था लेकिन रिटर्न चला, दोनों लड़ रहा है तो सर किसे मांग कर रहे हैं? अध्यापक है और दो दो जगह झंडा तोलन हो रहा है, बच्चे को समय से कुछ नहीं मिल रहा है, मिड डे मील ना मिल रहा है, ना छात्रवृत्ति मिल रहा है और शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खराब चल रहा है। अब ये तो कारण शिक्षक ही बता सकते हैं सर, उस विभाग से हम जुड़े हुए नहीं हैं तो हम कैसे बता सकते हैं। ये मांग किया है, सारा जनता मांग करती है, उस पर सुनवाई नहीं हो रहा है जी। आप लोगों ने बातचीत ये सारे जगह पेटिशन पड़ा हुआ है, ये आवाज़ सर हम जिला तक सुनाना चाहते हैं। जिला तक आवाज़ को दे दिया। आपका परिचय? रामानंद यादव।